नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H3BO3 इज नॉट करेक्ट। हमारे को बेटा यहाँ पे फोर स्टेटमेंट्स हैं, हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक एसिड। नो, ये एक ट्राइबेसिक एसिड नहीं है, देयरफोर यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ये स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक एसिड नहीं है, इट इज अ वीक मोनो बेसिक एसिड। इट इज अ वीक मोनो बेसिक एसिड जो एच पॉजिटिव आयन तो लिबरेट नहीं करता, ये एच पॉजिटिव आयन नहीं लिबरेट करता, रेदर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ओ एच नेगेटिव आयन को, ठीक है ना। इट एक्ट्स एज अ लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोक्सिल आयन्स। नेक्स्ट इज बाकी स्टेटमेंट्स को भी एक वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स। यस, बोरैक्स लेते हैं जब हम, उसको हम एसिडिफाई करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, Fe2SO4 प्लस H3BO3, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर PO3 यूनिट्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बिल्कुल सही, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इसके बाद इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दूसरे वाले BO3 के साथ। इस तरीके से, ठीक है जी। तो आगे सब ऑक्सीजन जो है उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी होती है, तो ऐसी लेयर आएगी, ठीक है। तो इन विच BO3 यूनिट्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्ट एज अ प्रोटोन डोनर, इट एक्ट एज अ लुईस एसिड। ये मैंने पहले बता दिया है कि ये एक